भारतीय जनता पार्टी के नेता व भिवंडी मनपा के शिक्षण मंडल के माजी सभापति और सभी संस्थाओं में अच्छी तरह से काम कर रहे समाज सेवक श्री राजू गाजंगी ने कोमड़पाड़ा गाजंगी आवल के बाजू में भिवंडी मनपा स्कूल नंबर 2838 के 250 से ज्यादा विद्यार्थियों को मुफ्त टिफिन बॉक्स बांटे हैं। आपको बता दें, समाज सेवक राजू गाजंगी अपने जन्मदिन पर विद्यार्थियों को सहायता सामग्री देते हैं हर वर्ष, वो परंपरा कायम रखे है। राजू गाजंगी जी ने विद्यार्थियों को मुफ्त टिफिन बॉक्स वितरण के समय अखिल पद्मश्री समाज भिवंडी के अध्यक्ष रामकृष्ण पोटोपत्नी, समाज सेवक कृष्णा गाजंगी, एडकुंडल गाजंगी स्कूल के अध्यापक संतोष गरात और सभी शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने राजू गाजंगी जी के जनसेवा कार्य को खूब तारीफ की। आइए देखते हैं। इस मौके पर हमारे पूरे परिवार के तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे छोटा भाई कोंडा के तरफ से हमारे राजू को खूब खूब शुभेच्छा। वो आगे बढ़े, ऐसे ही सामाजिक कार्यों में आगे बढ़े, हर साल कुछ ना कुछ भिवंडी के लिए, स्कूलों के लिए योगदान रहता है। इसी तरह आज इस हेमरत्न बिल्डिंग के अंदर जो स्कूल के बच्चे कॉरपोरेशन के, उनको टिफिन बॉक्स का देने का आयोजन किया है। मैं सभी बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ, वो खूब पढ़े, खूब फूले, अच्छी तरह इस समाज को एक अच्छा योगदान देने का कार्य शिक्षण ले, और हमारा राजू का पूरा योगदान शिक्षण के मार्फत हमेशा रहा है। इस मौके पर हम लोग कई स्कूलों में प्रोग्राम राजू ने अरेंज किए, राजू के कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया है। हमारा खुद का स्कूल, स्कूल विवेकानंद स्कूल में भी प्रोग्राम है। तो मैं खूब खूब हमारा राजू को आशीर्वाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। राजू गाजंगी जी ने पहले शिक्षण मंडल के सभापति भी रह चुके हैं। स्कूलों के लिए और शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमेशा वो अच्छी काम किया है। बहुत भिवंडी में जो आज जो स्थिति है, अच्छी स्कूल और टीचर्स का सभी उनका बहुत योगदान है, और समाज के प्रति भी उनके बहुत अच्छे काम करते रह चुके हैं। मैं उनको इस शुभ अवसर पर शुभेच्छा देता हूँ कि जो अभी हमारे राजू गाजंगी ने समाज सेवक है, आगे उनको अच्छा, बहुत अच्छा पोस्ट मिले और पूरा भिवंडी के लिए उनका कार्य काम आए, ऐसा मैं शुभेच्छा देता हूँ। मेरा माता पिता का आशीर्वाद और मेरे भाई लोगों का साथ मुझे समाज का, बहुत ही लोगों का मुझे साथ मिल रहा है, और मेरे इस जन्मदिन के अवसर पर कुछ ना कुछ लोक सेवा, सामाजिक सेवा करने की मेरी हमेशा की इच्छा तरह इस साल भी मैंने माता पिता का और मेरा कुलदेवत मार्कंडेय मुनि का आशीर्वाद लेकर आज इस 28 और 38 नंबर स्कूल, हमारा जो कुंभड़पाड़ा में, इस स्कूल के विद्यार्थियों का टिफिन बॉक्स का यहाँ पर मैंने वितरण किया। बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको आशीर्वाद दिया, और बहुत सारे लोगों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगी ने, मेरे दोस्तों ने, इन सब ने मुझे व्हाट्सअप द्वारा, फेसबुक द्वारा और फोन द्वारा मुझे कंटिन्यू जन्मदिन की शुभकामनाएं देता। उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और उन सब का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे, इसके लिए मैं उनकी इच्छा व्यक्त करता हूँ। 2022 बहुत दूर चला गया, 2025 तक चला जा रहा है, क्या करें से? देखो, मिशन तो आते रहते, हम अपना काम करते रहते, कर्तव्य करते रहने का, फल की अपेक्षा नहीं करने का, ये अपने गीता में लिखे है, तो वही हिसाब से हम लोग हमारा कर्तव्य को पार पड़ रहे, और दिन ब दिन हमारे कर्तव्य में हम सीख रहे, बहुत सारे कुछ सीखने को मिल रहे, और इस सीख के वजह से हमारे जो आगे की इच्छा है वो पूरी होगी, ऐसी मैं सोच रहा हूँ। राजू गाजंगी साहब पहले से बहुत सालों से काम कर रहे हैं हमारे स्कूल के लिए, और हमारे जो स्कूल के तरह गाँव के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, गरीब है, गरीब घर के बच्चे हैं, उनके लिए जो टिफिन बॉक्स दिया है, बहुत अच्छा काम किया है, और गरीब बच्चों को दुआ भी लगेगी। और दूसरी बात है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ देते आ रहे हैं, हर साल वो कुछ ना कुछ देते हैं, हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छा मेहनत किया उन्होंने, और जो भी हर साल, मतलब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, उसी टाइम वो कुछ ना कुछ लेके आते ही है, तो बहुत अच्छा काम किया है। तो हम लोग, हमारे स्कूल की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं।